हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए, जो मध्यकाल में बहुत सारे जो ट्रैवलर्स आए थे, यात्री आए थे जो दूसरे देशों से भारत की यात्रा पर, उससे संबंधित चर्चा जो है हमने किया था, जिसमें कि हमने अलबेरनी के बारे में जाना था, फिर इब्न बतूता को हमने पढ़ा था। आज हम जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, 17वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर जो था, वो सर्वाधिक ख्याति प्राप्त यात्री था। इसका जन्म जो है 1605 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस नगर में हुआ था। फ्रांस जो यूरोप का एक देश है, उसकी राजधानी जो है वो पेरिस है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है उसका जन्म हुआ था। वह पेशे से जौहरी था, जो सोने चांदी या हीरे का ख़ास तौर से कारोबार करता है, तो वो पेशे से जो है वो जौहरी था। एवं शाहजहाँ का समय जो है भारत में 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक का रहा था। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक, तो इस दोनों के पीरियड में जो है उसने लगभग 6 बार भारत की यात्रा की थी। और इस 6 बार आने जाने के क्रम में टेवर्नियर ने कई नगरों में स्थित किलो एवं वहां के मकानों के बारे में भी वर्णन उसने प्रस्तुत किया है। नरवर जो है उसके बारे में वह लिखता है कि देश के अन्य भागों की तरह यहां के अधिकांश मकान घास फूस से ढके थे और एक मंजिला थे। संपन्न लोगों के मकान 2 मंजिला थे और उनमें छतें थीं। नगर के चारों ओर अनेक बड़े तालाब थे। यह नगर पहाड़ की ढलान पर स्थित था। पहाड़ पर एक किला था जिसके चारों ओर चहारी दीवारी थी। तो वह इस तरह से नरवर का वर्णन जो है प्रस्तुत करते हुए बताता है कि नगर में जो है सो 2 तरह के लोग रहते थे, जिसमें कि जो अधिकांश जनता थी वो घास फूस के मकान में, 1 मंजिला मकान में रहती थी, और संपन्न वर्ग के लोग जो है वो 2 मंजिला मकान में रहते थे, और उनमें उनका जो मंजिल था वो छत था। तालाब के बारे में बताता है, पहाड़ की ढलान पर स्थित था ये नगर, और किला था जिसके चारों ओर चहरदीवारी थी। इब्न बतूता की तरह टेवर्नियर ने भी ग्वालियर के किले का वर्णन किया है, और उसने उसे भारत के श्रेष्ठ किलों में से एक बताया है। और इब्न बतूता की ही तरह उसने भी ग्वालियर के किले में अनेक लोगों का कैद किए जाने एवं उसकी हत्या किए जाने की चर्चा उसने की है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि इब्न बतूता का वर्णन और टेवर्नियर का वर्णन, दोनों का वर्णन जब हम मिलाते हैं, तो हमें लगता है कि ग्वालियर के किले के बारे में या फिर उससे संबंधित घटना के बारे में हमें सत्यता की परख हो जाती है, और हमें लगता है कि ये घटना जो है वह सत्य थी। टेवर्नियर ने तत्युगीन व्यापार केंद्रों एवं विभिन्न नगरों में उपलब्ध वस्तुओं पर भी प्रकाश डाला है। वह बताता है कि बुरहानपुर जो है सूरत आगरा के बीच व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ निर्मित पारदर्शक मलमल फारस, तुर्की, मास्को, पोलैंड, काहिरा एवं अन्य देशों को निर्यात किया जाता था। मलमल के बारे में वो बताता है कि यहाँ चटक रंगों की छींट के कपड़े भी तैयार किए जाते थे। बुरहानपुर में तंबाकू, कपास एवं अफीम भी पैदा होती थी। डच व्यापारी जो है वो काली मिर्च दे करके यहाँ के अफीम ले जाते थे। टेवर्नियर बताता है कि सिरोंज में इतना श्रेष्ठ मलमल पैदा होता था कि जिसे पहनकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति कुछ पहना ही ना हो। वो सॉफ्ट होता था और काफ़ी पारदर्शी होता था, मुलायम होता था, और इस सिरोंज के जगह का वह वर्णन करता है। और यहाँ और इस सिरोंज का जो सारा मलमल है वो मुग़ल बादशाह एवं उसके प्रमुख दरबारियों के लिए जो है वो भेजा जाता था, क्योंकि बादशाह और उसके जो दरबारी थे वो संपन्न वर्ग के लोग थे, और मलमल जो थोड़ा कॉस्टली होता था तो उसको पेट करने के लिए वही लोग सक्षम थे। जो आम जनता थी उसके पास उतनी संपत्ति नहीं थी कि वो पेट करके मलमल जैसे कपड़े का जो है वो उपयोग कर सके। तो यहाँ का जो मलमल था, चूँकि श्रेष्ठ होता था सिरोंज का मलमल, तो वो दरबारियों के लिए और मुग़ल बादशाह के लिए भेजा जाता था। टेवर्नियर के बारे में कहा जाता है कि वह अत्यंत दूरदर्शी यात्री था, और उसने अपने विवरणों में लिखा है कि दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। टेवर्नियर अपनी भारत यात्रा के दौरान जो है फ्रांसीसी यात्री बर्नियर से भी मिला था। बर्नियर जो फ्रांसिस बर्नियर था, उसकी चर्चा हम अगले एक कक्षा में करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो उसी बर्नियर से ये टेवर्नियर जो है वो मिला था। दोनों ने यहाँ बंगाल की यात्रा जो है वो साथ साथ में संपन्न की थी। दोनों एक साथ ही बंगाल की यात्रा पे जो है दोनों का भेंट हो गया था, और दोनों साथ साथ यात्रा किए थे।
टेवर्नियर के भारत संबंधी यात्रा वृतांत जो है तत्युगीन मुगलकालीन भारत के व्यापार वाणिज्य धार्मिक स्थिति नगर व्यवस्था किलों मंदिरों सड़क व्यवस्था यातायात के साधनों सामाजिक रीति रिवाजों इत्यादि इन सभी वस्तुओं पर प्रकाश डालता है और इन सबों को जानने का जो है महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में टेवर्नियर का भारत संबंधी यात्रा वृतांत हमें प्रस्तुत प्राप्त होता है। उसके यात्रा वृतांत से तत्युगीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण अनछुए पहलू जो है उस पर भी प्रकाश पड़ता है। और चूंकि वो यात्री था यहाँ के किसी शासक के दबाव में उसने बातों को नहीं लिखा, वो निष्पक्ष होकर के बातों को लिखता है, इसलिए उसके इस तरह के यात्रियों की बातों में सत्यता अधिक होती है। तो बच्चों हमने आज जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर के बारे में जाना, उसने भारत संबंधित किन किन चीज़ों पर प्रकाश डाला है, उससे मुगलकालीन किन किन बातों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है उस सब संबंध में हमने आज पढ़ा। अब आगे की कक्षा में हम फ्रांसिस बर्नियर के बारे में जो कि एक यात्री था उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।